नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, DSSB से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, 8/11/2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया DSSB ने। उसमें ये दर्शाया गया है कि अभी TGT में कितनी पोस्टें खाली है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पूरी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, DSSSB अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है और आगे भी नए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, या हो सकता है इसी में ऐड कर दे ये पोस्टें। तो चलिए पूरी अपडेट देता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, DSSSB यानी MCD की जितनी भी पोस्टें थी, वो पहले क्या किया जाता था कि गेस्ट टीचर के थ्रू भरा जाता था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस चीज़ पे रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया है कि आप बार बार गेस्ट टीचर लेते हो, इससे अच्छा भर्ती क्यों नहीं करवा रहे। तो 9 साल के बाद, लगभग 9 साल के बाद DSSSB ये भर्तियां करवा रही है। ये पहली भर्ती जो अभी चल रही है TGT, PGT और PRT की। दोस्तों, ये होने के बाद भी 10,155 पोस्ट है वो खाली रह जाएगी। ये जो 8/11/2018 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें स्पष्ट दर्शाया हुआ है। और कुछ पोस्टें हैं वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी, उसके बाद 8,000 पोस्टें हैं वो खाली रह जाएगी। उस पर जल्द ही रिक्रूटमेंट जारी कर दिया जाएगा। बहुत कम चांस हैं कि वो इसी भर्ती में ऐड होंगी ये पोस्टें, बहुत कम चांस है। लेकिन जल्द ही ये जैसे ही कंप्लीट होती है या पहली एडवर्टीजमेंट आ जाए, तो 8,000 की पोस्ट पर जल्द एडवर्टीजमेंट आ जाएगा कि 8,000 पर TGT की भर्ती होगी। और ऐसा सुनने में भी आ रहा था कि PRT की भी भर्ती होगी, पर PRT की कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, ये कन्फर्म न्यूज़ है दोस्तों। और आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो अपकमिंग दिखा रहा है, और 8/11/2018 को ये नोटिफिकेशन भी डाला है जिसमें 10,155 पोस्ट खाली दिखा रहा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी दोस्तों। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।